हेलो एवरीवन, विनीता दिस साइड. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर प्रीवियस वीडियो, इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर. एंड टिल हियर वी गोट टू नो that there was a dog and Mrs. Mumfre was a rich and emotional lady. And literally, who has a cute pet, small dog? She named it Tricky. She loved him so much that she usually overfed him. Tricky had put on a lot of weight, which made him slow and pathetic. When Dr. James Harriet saw the dog like a blotted sausage, he was very shocked and he made a plan and told Mrs. Pomfrey that Tricky needed treatment for a disease which was possible only in hospital. And the doctor knew that Mrs. Pomfrey would not be able to keep the dog on a proper diet. When the greedy dog went to the hospital, he had to remain hungry if he was sure to approach for food. He was given food at fixed intervals, and soon he shed off a lot of his body weight and became quite active. But when Tricky was at home, he was pampered by Mrs. Mumfre. He had a luxurious life when he was served with cream cake, chocolates and Horlicks and all that. But when he came to the doctor, he became all right. When Mrs. Mumfre saw her active dog, she thanked the doctor and felt it was a trump of surgery. So, यहाँ तक जहाँ अभी हमने previous video में over किया था students, वहाँ पे हमने ये देखा था कि अब doctor उसको ले गया अपने clinic. Now we are just going to start with the next part. Yes. At the surgery, the household dogs surged around me. Now what actually is given? कि अब जो है उसने plan बनाया, उसको ले गया वहां से. Now at the surgery, here we are just started. At the surgery, the household dog surged around me. उस surgery में, मतलब उस hospital में, घर के कुत्ते मेरे चारों ओर, वहाँ के जो dogs थे ना, वो सारे क्या हुए? चारों तरफ आ गए, मेरे चारों तरफ आ गए. किसके? Mr. Harriet के. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. Dhundli aankhon se Tricky ne shor karte hue un dogs ko dekha. Aur jab when put down aur jab maine usko niche utara lay motionless. तो बिल्कुल मोशनलेस होकर वहां ऑन द कारपेट कालीन पर लेट गया, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं है. नेक्स्ट द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम. अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम. अब जो बाकी के डॉग्स थे ना, कुछ क्षणों के लिए लास्ट में वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, तो इसको इग्नोर ही करना चाहिए. मतलब उनको ना उसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग सा लगा नहीं, क्योंकि वो उसने भी कुछ ऐसा नहीं जताया कि वो कुछ खुश है या उसने कोई ऐसी एक्टिविटी की हो, तो उनको लगा कि ये तो भी बहुत बोरिंग है, तो उसको इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept.
मैंने क्या किया, वो बता रहा है कि बराबर दूसरे गुस्से सोते थे उसी के बराबर में गर्म और खुले से बक्से में मैंने उसके लिए बिस्तर लगा दिया। अब जहां वो अपने घर में ऐसे रहता था, अब यहाँ देख लो, एक नॉर्मल एक बॉक्स में, वार्म गर्म से खुले हुए बॉक्स में, जहां बाकी डॉग सोते थे वहीं उसका बिस्तर लगाया। फॉर 2 डेज आई केप्ट ऑन आई ऑन हिम, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक तो मैंने उस पर पूरी निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बिल्कुल भी खाने को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी दिया पर्याप्त मात्रा में। दैट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट कि उसको नॉर्मल डॉग्स के साथ रखो ताकि वो कुछ एक्टिविटी करे उनको देख के। सेकेंडली उसको कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, नथिंग, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड डे। अब 2 दिन तो उसने नहीं दिया, अब जब दूसरा दिन खत्म हुआ था ही स्टार्टेड शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। अब उसने ना अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के एटमोसफेयर में थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑन थर्ड डे ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड। उसने क्या किया, तीसरे दिन जब उसने अपने बाड़े में कुत्तों का शोर सुना तो उसने भी मंद स्वरों में थोड़ा थोड़ा रोना शुरू कर दिया, उनके साथ ही मतलब आवाज निकालना शुरू कर दी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately unlocked by Joe, the greyhound and his friends. अब क्या हुआ, When I opened the door, अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी छोटे डग भरते हुए, मतलब थोड़ा सा आवाज निकालते हुए, तेज चलते हुए बाहर आया और उसने उसी टाइम ही शिकारी कुत्ते और उसके साथियों द्वारा उसको घेर लिया गया, डॉग को, ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब जब ये उसको देख रहे थे, उसके आगे पीछे घूम रहे थे, उसको घेरे हुए थे, उसको सारा इंस्पेक्ट किया और फिर चुप करके गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनको क्या किया, फॉलो किया। एंड रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, ट्रिकी भी उनके बीच में गया, कैसे ना कैसे लुढ़कते हुए अपनी ज्यादा एक्स्ट्रा जो चर्बी थी उसके साथ गया, उनके साथ साथ चला गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब मैं भोजन खिलाने के टाइम पे वहां पर प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल प्रिंसन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। मैंने देखा कि जब ट्रिस्टान ने खाने को कटोरियों में डाला, there was the usual headlock rush followed by the sound of speed high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of the meal. वो कह रहे कि मैं वहां पर था जब खाना डाला जा रहा था, तो वहां पे हमेशा से ना एक जैसी हड़बड़ी सी रहती थी और उसके बाद तेज गति से खाना खाने की कुछ आवाजें आती थी और हर कुत्ते को पता था कि अगर कोई और कुत्ता पीछे रह गया तो उन्हें क्या होगा, खाना अंतिम चरण में मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ही वो बात थी कि मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब किसी को पीछे नहीं रहना है, मतलब ऐसा ना हो कि लास्ट में किसी के लिए बचे, मतलब हमारे लिए बचे ही ना, तो एक कॉम्पिटिशन से रहता था लास्ट पार्ट ऑफ। I hope you will understand
कि अब वो ना एक दूसरे से कंपटीशन रखते थे कि पहले मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए। तो उनके अंदर वो कंपटीशन सा रहता था। यू कैन सी द पिक्चर व्हेन दे हैड फिनिश्ड। अब जब उनका खाना फिनिश हो जाता था, फिनिश हो गया सब कुछ, खाना वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया, उसके बाद जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स एंड लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। एक दो कटोरों के अंदर उसको लापरवाही से चाटते हुए ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरों के चारों ओर, मतलब थोड़ा सा वॉक करने लग गया कि कुछ मुझे भी मिल जाए। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब देखो उन्होंने क्या दिखाया इसमें, क्या बताया कि व्हेन दे फिनिश, जब फिनिश हो गया ना, तो ट्रिकी ने ना वॉक करना स्टार्ट कर दिया उन चमकते हुए बाउल्स के चारों ओर, उनके अंदर से उनको चाटते हुए। नाउ नेक्स्ट डे क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट, एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया उसके लिए एंड आई वॉज प्लीज टू सी, और मुझे इस बात को देखकर बहुत ही खुशी हुई वो, मतलब मैं उसको देखकर बहुत खुश हुआ। टू सी हिम जोस्टलिंग हिम हिज वे टूवर्ड्स इट, कि अब वो ना जो ट्रिकी था ना, वो भी धक्का मुक्की करके अपना रास्ता जो है ना वो बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन, तब से ही हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब उसकी जो हेल्थ में जो प्रोग्रेस थी ना, वो तेजी से बढ़ने लग गई। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ वेरी सरप्राइज दैट ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसको किसी तरह की कोई दवाई नहीं दी जा रही थी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो सिर्फ डॉग्स के साथ भागता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, मतलब उनके जो मतलब था ना, उनका जो एक भाईचारा यानी कि जो मित्रता थी, दोस्ती थी, उनके झगड़ों में जो छोटे मोटे वो ऐसे फ्रेंडली जो है वो झगड़े करते थे, उसमें वो शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन। उसने हर कुछ मिनटों के अंतराल पर भागते हुए, अचानक गिर जाने, आवाज करते हुए चलने, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए, खुद को मतलब ये छोटी छोटी खुशियां थी उनके साथ कि वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसी को छेड़ रहे हैं, कभी किसी के साथ हो रहे हैं। सो दैट वॉज द पॉइंट। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। नाउ यू कैन सी द चेंज, कि वो एक ना मेंबर बन गया, एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस गैंग का, जो वो अपने बाकी के कुत्तों के बीच में कभी रेशमी छोटी चीज खाने के लिए एक दूसरे से शेर की तरह लड़ने लग जाता, कभी रात को पुराना मुर्गी को में चूहे का शिकार करने के लिए चला जाता। उसने अपने जीवन में लिटरली ऐसा इंजॉयमेंट, ऐसा टाइम उसने पहले कभी भी नहीं देखा। सो ही वॉज वेरी हैप्पी देयर। वी आर नॉट सेइंग कि वो नहीं कर किया उसने, कुछ नहीं कर पाया, दैट वॉज नॉट देयर। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को उस एटमोसफेयर में ढालने की एंड स्टिल वो कामयाब भी हुआ, ही वॉज सक्सेसफुल। सो दैट्स वाई इट इज रिटन दैट ही एंजॉयड देयर वेरी वेल। सो ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। कभी उसको उस तरह का टाइम अपनी लाइफ में मिला ही नहीं। नाउ नेक्स्टली, ऑल द वाइल मिसेस पॉम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उसकी मिस्ट्रेस की, तो उसी समय पे जब वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो उस दौरान जो उसकी मिस्ट्रेस थी मिसेस पॉम्फ्रे, वो बहुत ही एंजाइटीज ही फील कर रही थी, क्योंकि उसको बहुत बेचैनी हो रही थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। वो मुझे दिन में ट्रिकी के बारे में दर्जनों बार
मतलब उसकी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए कि कैसा है, क्या कर रहा है, क्या है वो, मतलब हजारों लेट मतलब डजन अ टाइम्स कॉल करती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और करेक्ट, कॉट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलसरिंग रैपिडली। अब वो उसके जो क्वेश्चन होते थे ना, वो बहुत ही केयरिंग नेचर की थी ना अपने डॉग के लिए। उसके क्वेश्चन भी ऐसे होते थे कि रेगुलरली उसको उसके क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, उसका कोट उसके वेदर के अकॉर्डिंग पहना रहे हो, बट आई वॉज एबल टू टेल हर। लेकिन मैं उन्हें सिर्फ यही कहने में समर्थ था कि छोटा साथी जो आपका लिटिल फेलो है वो खतरे से बाहर था और उसकी हेल्थ में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेलसिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे, ये जो वर्ड था ना स्वास्थ्य लाभ, ये सुन के ना उसको कुछ होने लग जाता था, बिकॉज लिटरली शी वॉज वेरी अफ्रेड फॉर हर डॉग। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड, अब उसने क्या किया, लाना शुरू कर दिया। अब उसने जैसे सुना ना कि हाँ उसके मतलब हेल्थ में कुछ सुधार है, तो ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए ना उन्होंने क्या किया, ताजे अंडे लाने शुरू कर दिए, एक बार 2 दर्जन। अब उसने ये स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच ऑफ द ब्रेक ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो तो भेजती थी अपने डॉग के लिए, अब वो तो ड्रॉग का ट्रीटमेंट चल रहा था उसको, तो वो चीज़ें उसने देनी ही नहीं थी क्योंकि ये तो उसके प्लान में था। तो वो क्या करता था, उनको खाना खाता था, वो खा लेता था डेली ब्रेकफास्ट में 2 2 eggs ले लिए। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब बॉटल्स आनी स्टार्ट हो गई वाइन की, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब जब शराब की बोतलों का आना शुरू हुआ तो पूरे घर भर की स्थिति की वास्तविक संभावनाओं का आभास होने लगा कि उनको पहले कभी ये चीजें मिली ही नहीं थी, अब वो सिर्फ ट्रिकी की वजह से उनको वो ये चीजें मिल पा रही हैं। इट वॉज टू अनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह सब ट्रिकी के खून को पुष्ट करने के लिए, उसके खून को साफ करने के लिए भेजा जा रहा था। लंच बी केम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। उसने कहा दोपहर का खाना खाने से पहले शराब के 2 गिलास और खाने के बाद अनेक गिलासों के साथ एक तरह का ना ये ओकेजन बन गया था कि हाँ डेली एक पार्टी सी होती थी। यू कुड हार्डली बिलीव दैट इट वॉज ब्रैंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप इस बात को मानोगे नहीं, आप इस बात को मान नहीं सकते, हमें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि जब ट्रिकी के शरीर की अंतिम जो बिल्कुल लास्ट वी कैन से दैट ना फाइनल एज पे था, तो उसके लिए ब्रांडी आई और फॉर अ फ्यू नाइट कुछ रातों तक बढ़िया शराब चारों ओर मतलब रोल लुढ़काई गई, बहुत अच्छे से सूंघी गई और श्रद्धा पूर्वक पी भी गई बहुत अच्छे से। अब ये सारी चीजें मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स कर रहे हैं। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब क्या होता कि जो श्री जो मिसेस पेम्फ्रे है वो जो ये इतना कष्ट हमारे लिए भोग रहे हैं, वो अपने 15 दिन के बाद मैं उन्हें फोन करने पर विवश ही हो गया कि जो आपका डॉग है ना वो बहुत स्वस्थ हो गया है और अपने आप को ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि उसको ले जाए कोई आके। तो इससे पहले जो उसने बताया ना कि वो गहरी संतुष्टि के दिन थे उनके लिए, स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग, जो दिन उनका शुरू होता था एक्स्ट्रा एग के साथ, अच्छी तरह से शुरू होते हुए दोपहर को नियमित शराब के साथ और बेहतर होते होते रात को
आग के सामने बैठ के ब्रांडी पीते हुए उनका दिन जो है वो खत्म होता था. सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. अब उनको लग उनके अंदर ना एक लालच आ गया था कि ये जो ट्रिकी है ना इसको अपने यहाँ ना परमानेंट गेस्ट के लिए रख लेना चाहिए. सो बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्ट नाइट. और मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे बहुत बेचैन हो रहे हैं और 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन. मुझे फोन करना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि वो बहुत ठीक है पहले से और वो वेट कर रहा है कि उसे यहाँ से आके कोई ले जाए. विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. द शेफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर लिप्स ट्रम्बल्ड. ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज ही रियली बेटर. अब विद इन मिनट्स अभी उसने उसको बताया ही था और कुछ ही मिनटों में उसके हॉस्पिटल के बाहर 30 फीट लंबी चमकीली और काली गाड़ी आकर रुकी. जो शेफर था यानी कि जो मेजबान था जो ड्राइवर था उसने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर. और अभी मैं इस बात को मुश्किल से देख पा रहा था कि वो मिसेस पम्फ्रे हैं. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड. उसके जो हाथ थे उसने कसकर थामे हुए थे और उसके जो लिप्स थे वो ट्रम्बल वो कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रुथ. ओ मिस्टर हैरियट आप मुझे बिल्कुल सच बताइए. इज ही रियली बेटर. क्या वो रियलिटी में बहुत ठीक है. देन बट मिस्टर हैरियट रिप्लाइड येस ही इज फाइन. देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आई विल गो एंड फैच हिम. हाँ जी वो बिल्कुल ठीक है. आपको गाड़ी से बाहर आने की जरूरत नहीं है. मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन. मैं घर से निकलकर गार्डन की तरफ गया. अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड लॉन इन देयर मिडसेट. ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. इन द 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. अब वो क्या कह रहे हैं कि आई वॉक थ्रू द हाउस. अब वो मतलब घर से होते हुए बगीचे की तरफ गया. वहां पे जो डॉग्स थे ना उन्होंने झुंड बनाकर वो तेज गति से चक्कर लगा रहे थे और उनके बीच में अपने कानों को फड़फड़ाते हुए पूंछ को हिलाते हुए छोटा सा पशु ट्रिकी जो 2 सप्ताह में एक बहुत ही लचीली कड़ी मांसपेशियों वाला जानवर के रूप में बदल गया था और कुत्तों के झुंड में बिल्कुल साथ साथ उनके साथ चल रहा था. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैं पीछे से उसको उठाकर आगे की तरफ लेकर आया. द शोफर वो स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. और अभी तक ड्राइवर ने उस डोर को ओपन रखा हुआ था. व्हेन ट्रिकी सॉ. अब जब ट्रिकी ने यू कैन सी इन द पिक्चर कि एकदम से वो भागता हुआ आया मिसेस पम्फ्रे के पास. तो जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेस पम्फ्रेज लैब. उसने मेरे हाथ से बहुत जोर से छलांग लगाई मेरी बाजुओं से और भागते हुए वो मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड. उसने एक बहुत ही अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया. ओ एंड देन हैड टू डिपेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर लिंकिंग हर फेस एंड बार्किंग. उसके फेस को चाटने लग गया और भौंकने लग गया. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट इस उत्तेजना के दौरान आई हेल्प द शफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशन एंड कोट्स एंड बाउल्स नन ऑफ विच बीन यूज्ड. मैंने उस ड्राइवर की हेल्प की वो सारा सामान लाने के लिए. उसके बेड उसके टॉयज उसके कुशन उसके कोट बाउल्स एवरीथिंग जो कोई भी चीज़ें यूज नहीं हुई थी. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस फम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. टीयर्स शोन इन हर आइज हर लिप्स ट्रम्बल्ड.
अब जैसे ही कार थोड़ी सी चली तो मिसेस पॉम्फ्रे जो थी खिड़की से बाहर झुकी। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोने लग गई। ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूंगी। दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपकी आपके इलाज की जीत है। सो दिस इज द स्टोरी जस्ट, एंड इट इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द क्वेश्चन आंसर्स एंड फाइंड आउट सम इंटरनल पॉइंट्स ऑल्सो। सो टिल देन यू जस्ट रीड इट वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एक्चुअली इज गिवन इन दैट। नथिंग एल्स, वी आर जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट इट इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय जेम्स हैरियट एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल डॉग एंड रिच लेडी मिसेस पम्फ्रे। द लेडी लव्ड हर डॉग वेरी मच एंड यूज टू ओवर फीड हिम एंड जस्ट फॉर दैट ओवर फीडिंग ना ही वॉज वेरी इल। सो द डॉक्टर गेव ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ हिज ओवर फीडिंग, बस ओवर फीडिंग की उसका उसको ट्रीटमेंट दिया था, नथिंग एल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हेयर वी डू हैव सम ग्लोसरी। इन दिस वी हैव सोसेज, फाइनली मिन्स्ड मीट स्टफ्ड इन टू द जो एक्स्ट्रा जो चर्बी बन जाती है बॉडी में उसको बोला जाता है रूमी। अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम जो माउथ से सलाइवा, नाक से आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। लिस्टलेस लैकिंग एनर्जी, सुस्त वी कैन से दैट, जिसके अंदर कोई जोश नहीं होता। लैम्बगो, मस्कुलर पेन होता है जो बैक पार्ट ऑफ बॉडी में। रेजिमे, प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, जो एक्सरसाइज की जो होती है। डिस्ट्रॉट, एक्सट्रीमली वरिड। सर्जरी, अ ट्रीटमेंट दैट वॉज गिवन बाय अ सर्जन टू द पेशेंट। स्क्रीमेज, रफ एंड कंफ्यूज स्ट्रगल। कॉन्वेल्सिंग, रिकवरी फ्रॉम द इलनेस। एंड लिथ, फ्लेक्सिबल, जो वो बाद में हो गया था। एंड दीज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।